हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ आपकी जो क्लास 11 का होम साइंस का सिलेबस रहने वाला है 2024 से 25 का, उसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी और इसी सिलेबस के साथ मैं आपके आपके साथ एंड तक बनी रहने वाली हूँ। इसी को मैं कवर अप करवाऊंगी और जो आपका सिलेबस है मैं उसको अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। तो आशा करती हूँ आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे, अपने साथ पेन और जो आपकी कॉपी रहने वाली है उसको रख लेंगे, सिलेबस को साथ ही में नोट करते रहेंगे। अगर आपको ये चीजें माइंड में हमेशा याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको कॉपी में नोट करें ताकि आपको एंड में कंफ्यूजन ना हो कि आपको कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज होते हैं एंड में कि कौन सा सिलेबस कौन सा चैप्टर करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग और कौन सा नहीं करना है, और वो अपने टीचर से भी नहीं पूछते, उनको डर लगा हुआ रहता है कि हम अगर हम पूछने जाएंगे तो मैम डांटेंगी मैम बोलेंगी। तो यहाँ पे आपको ये करवा दिया जा रहा है ताकि आपको एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, और यही सिलेबस करवाते हुए मैं आपके साथ आगे बनी रहूंगी और आपका जो सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी और आपको अच्छा स्कोर मिल सके इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। तो आपका जो सिलेबस है हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ स्टार्टिंग में आपको होम साइंस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रखा है कि मतलब यहाँ ये आपका जो सिलेबस है 2024-25 का रहने वाला है, ये आपका कोड दे रखा है, हम इसमें क्या समझने वाले हैं, जैसे कि आपके सैद्धांतिक अंक दे रखे हैं इसमें, मतलब कि जो आपका रिटर्न वर्क वाला पेपर होने वाला है उसके आपके अंक दे रखे हैं, 70 मार्क्स जो है आपके उसके लगने वाले हैं। नीचे आपका प्रायोगिक दे रखा है 30 मार्क्स का, मतलब ये आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है, ये इसके मार्क्स बता रखे है। यहाँ आपको जो आपकी टाइमिंग रहने वाली है एग्जाम करने की 3 घंटे, ये आपको बता रखा है। अब नेक्स्ट हम इसमें जो आपका इकाई है उसको समझने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पे आपका जो ये कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा कि जैसे यहाँ पे इकाई के नंबर दे रखे हैं, यहाँ इकाइयों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे इकाई के जो अंक लगने वाले हैं आपके वो दे रखे हैं। तो यहाँ ये जो है आपके चैप्टर्स के नाम नहीं है, ये आपकी इकाई है और इसी इकाई में आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो है। जैसे कि आप देखेंगे आपके फर्स्ट इकाई में आपका एक चैप्टर है, ऐसे आपके सेकंड इकाई में हो सकता है कि 2 चैप्टर हो, 3 चैप्टर हो, 4 चैप्टर हो, ऐसे ऐसे आपके इकाई थर्ड में भी हो सकता है कि ज्यादा चैप्टर हो, 1 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो। तो अब हम वो नीचे समझेंगे कि आपके इन इकाइयों में कितने चैप्टर रहने वाले हैं। ये सिर्फ आपके इकाइयों के नेम है, नीचे हम विषय वस्तु में समझेंगे कि आपके कौन कौन से इन इकाई के अकॉर्डिंग चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट यहाँ मैं आपको बता देती हूँ आपके 5 इकाई आ रही है, इसी में से जितने चैप्टर्स होने वाले हैं वो आएंगे। यहाँ आपको फर्स्ट इकाई जो दे रखा है वो है गृह विज्ञान का परिचय, ये आपका रहने वाला है 2 मार्क्स का। नेक्स्ट आपको सेकंड दे रखा है स्वयं को समझना और किशोरावस्था, ये है 20 मार्क्स का। नेक्स्ट दे रखा है परिवार समुदाय और समाज के प्रति समझ, ये है 15 मार्क्स का। बाल्यावस्था 15 मार्क्स का और बेशक अवस्था ये आपका 18 मार्क्स का। तो ये जो सारे थे ये आपके जो 5 इकाई रहने वाली है उसके नाम थे। यहाँ पे सैद्धांतिक बता रखा है कि ये जो टोटल है ये आपका 70 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल की जो मार्क्स है वो बता रखे और जो इसका कुल योग रहने वाला है, मतलब जो आपका टोटल नंबर का इसमें लगने वाला है होम साइंस के एग्जाम के लिए, वो 100 होने वाला है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये जो आपके इकाइयों के नाम थे, अब जो आपके इकाई में ही जो चैप्टर्स आ रहे हैं हम उनको समझेंगे, उन चैप्टर में क्या क्या करना है हम उसके छोटे छोटे जो टॉपिक है वो भी बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे तरीके से आपको जो आगे सिलेबस करवाऊं उसमें सारी चीजें जो कंफ्यूजन वगैरह होगी उसको क्लियर कर सकूं। यहाँ आपका फर्स्ट इकाई में आपका फर्स्ट एक ही चैप्टर रहने वाला है, वो है ग्रह विज्ञान का परिचय और ये आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें हम ग्रह विज्ञान का अर्थ समझेंगे, ग्रह विज्ञान के क्षेत्र समझेंगे, लड़के लड़कियों के लिए क्या आवश्यकताएं हैं हम वो समझेंगे, और इसमें कौन कौन से व्यवसाय के अवसर है, मतलब कि हम ग्रह विज्ञान पढ़ के हम कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सा करियर बना सकते हैं, हम आपके जो आपका फर्स्ट इकाई में फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है उसमें समझेंगे। अब यहाँ आपका सेकेंड इकाई दे रखा है स्वयं को समझना और किशोरावस्था। अब सेकेंड इकाई में आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है, ये सेकेंड इकाई का आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है स्वयं को समझना। अब नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें स्वयं को समझना मतलब हम खुद को समझेंगे, तो यही इसमें बताना है कि स्वयं के बारे में बताना है, व्यक्तिगत आयाम बताने हैं, सामाजिक आयाम बताने हैं,
स्वयं की संकल्पना बताना है, स्वाभिमान बताना है, पहचान क्या होती है, व्यक्तिगत पहचान क्या होती है, सामाजिक पहचान क्या होती है, हम मतलब कि अपने बारे में ही किस किस तरीके के, जैसे हम देखेंगे यहाँ व्यक्तिगत पहचान बता रखा है, सामाजिक पहचान बता रखा है, सामाजिक आयाम बता रखे हैं, तो हम उन सब के बारे में इसमें समझने वाले हैं। अब ये है आपके इकाई दो का चैप्टर सेकंड, ये आपके इकाई दो का ही चैप्टर सेकंड दे रखा है। इसमें हम देखेंगे भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। इसमें हम समझने वाले हैं भोजन, पोषक तत्व और जो पोषण है, संतुलित आहार है, परिभाषाएं हैं, फुल फॉर्म्स है, और स्वास्थ्य और स्वस्थता है इसके बारे में, मतलब कि हम संतुलित आहार के बारे में मिलने जो है समझने वाले हैं कि संतुलित आहार किस तरीके से यूजफुल होता है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और किस तरीके के भोजन जो है हमें पोषण प्रदान कर सकते हैं हम इसके बारे में। हम ये नाम से समझ सकते हैं कि भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, तो यहाँ पे जो भोजन है उससे जो पोषण मिलने वाला है हम उसके बारे में जो मिलनी है इसमें समझेंगे। ये तो आपका सेकंड इकाई का सेकंड चैप्टर था। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर। ये है आपके सेकंड इकाई का थर्ड चैप्टर। इसमें देखा है संसाधन प्रबंधन। अब इसमें हम संसाधन के बारे में समझेंगे किस तरीके से हमने संसाधनों का वर्गीकरण कर रखा है, जो मानव निर्मित संसाधन है, गैर मानव निर्मित संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, सामाजिक संसाधन है या निजी संसाधन है, हम उसके बारे में समझेंगे। संसाधन जैसे कि मानव, गैर मानव संसाधन है, मानव संसाधन है, कौन कौन से जो संसाधन है, मिलने के संसाधन होते क्या है, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, किस तरीके से यूजफुल होते हैं, हम इसमें संसाधन के बारे में सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ये भी आपके सेकंड इकाई का ही चैप्टर रहने वाला है। इसमें है कपड़े हमारे आसपास। अब यहाँ पे हम कपड़े से समझ रहे हैं कि इसमें जितना ही बता रखा होगा हमें वस्त्र से रिलेटेड बता रखा होगा, तो मतलब यहाँ देखेंगे सूत जो है, रेशे है, वस्त्र उत्पादन है, परिष्करण है, परिभाषाएं, हम उसके बारे में समझेंगे किस तरीके से इसका उत्पादन करते हैं, किस तरीके से इसको मतलब एक ड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, हम उस प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। रेशों के गुण समझेंगे, जैसे ऊनी रेशे होते हैं, सूती रेशे होते हैं, तो उनके कौन कौन से गुण होते हैं हम उसके बारे में समझेंगे। जो वस्त्र का वर्गीकरण है हम उसके बारे में समझेंगे, किस तरीके के वस्त्र अच्छे होते हैं, कौन से मौसम में कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, तो हम मेनली इसमें यही सब समझने वाले हैं। सेकंड इकाई में ही आपका एक और चैप्टर दे रखा है, ये रहा, ये आपके भी सेकंड इकाई का ही चैप्टर रहने वाला है। ये संचार माध्यम और संचार के प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पे मेनली हम संचार के बारे में समझेंगे कि संचार क्या है, संचार का वर्गीकरण क्या है, संचार कैसे होता है, संचार का जो माध्यम है, संचारों का जो वर्गीकरण और उसके कार्य है, मतलब हम संचार के बारे में समझने वाले हैं कि संचार क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो वर्गीकरण है कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे जो आपको संचार वाला चैप्टर रहने वाला है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपका इकाई तीन। इकाई तीन में है परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ। इसमें हम समझने वाले हैं जो आपका अध्याय है, विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। इसमें आपका फर्स्ट देखा है कि हम पोषण, स्वास्थ्य और जो स्वास्थ्य विज्ञान है उसके बारे में समझने वाले हैं, स्वास्थ्य और उसके जो आयाम है उसके बारे में समझेंगे, सामाजिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, हम इन सब मतलब कि मेनली जो स्वास्थ्य, किस तरीके से हम संतुलित रह सकते हैं, किस तरीके से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, कौन कौन से स्वास्थ्य जैसे प्रकार आप देखेंगे कि सामाजिक स्वास्थ्य दे रखा है आपको, मानसिक स्वास्थ्य दे रखा है, शारीरिक स्वास्थ्य दे रखा है, हम किस तरीके से स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, स्वास्थ्य के जो सूचक होते हैं, हम इन सब के बारे में मतलब जो स्वास्थ्य है उसको हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। अब ये आपने जो अपने तीन अपने इकाई देखे थे, अब यहाँ बता रखा है कि आपकी जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इकाई है ये आपके फर्स्ट टर्म के लिए है। ये जो आपका सिलेबस है 13 सितंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आपका फर्स्ट टर्म है इसमें आपके जो तीन इकाई हमने अभी ऊपर पढ़ी है उसके जो चैप्टर पढ़े हैं वो सारे आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी जो इकाई है हम वो देखेंगे सेकेंड टर्म के लिए।
क्योंकि आपको पता है कि आपके सेकंड टर्म में आपका जो पूरा सिलेबस रहने वाला है वो आएगा, तो आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है एंड जो सेकंड टर्म का सिलेबस है आपको दोनों ही करना पड़ेगा। तो यहाँ आपकी इकाई चार दे रखी है बाल्य अवस्था, इसमें हम जो समझने वाले वो है उत्तरजीविता, उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास। अब इसमें हम उत्तरजीविता का अर्थ समझेंगे, वृद्धि तथा विकास, विकास के क्षेत्र, हम इस सभी टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं आपके इस इकाई फोर की जो आपका चैप्टर रहने वाला है उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास में, इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट इसी में आपका अध्याय दे रखा है सेकंड, आपके जो आपका फोर्थ इकाई दे रखा है उसी में आपका सेकंड अध्याय ये दे रखा है कि पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। इसमें हम जो शैशव मतलब जन्म से जो 12 माह तक के बच्चे होते हैं उनके दौरान जो पोषक और स्वास्थ्य होती है हम उसको समझने वाले हैं, किस तरीके से उनको स्वास्थ्य मतलब हम प्रदान कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम देखते हैं ना पोषक तत्व, हम किस तरीके से उनको ग्रो अप करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। शिशु जो आहार से संबंधित आवश्यकताएं होती है, मतलब कि अब छोटे बच्चे भी थोड़ा उनका भी क्रिटिकल केस होता है, उनको भी हम कुछ भी खाने के लिए पीने के लिए नहीं दे सकते हैं, तो हम उनके जो आहार संबंधित आवश्यकताएं होती है हम उनको समझेंगे। मतलब इसमें हम मेनली जो समझने वाले हैं बच्चों के बारे में समझने वाले हैं, किस तरीके से बच्चों की हम देखभाल करेंगे, बच्चों के लिए कौन कौन सी चीजें उपयोगी होती है हम वो सब समझेंगे। इसी इकाई में आपका नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है हमारे परिधान, मतलब इसमें भी आप देखेंगे आपके वस्त्र के बारे में ही दे रखा है, तो इसमें हम वस्त्रों का कार्य और उनका चयन करना, मतलब कि हमें जो वस्त्र के कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं किस तरीके से हम उनका चयन कर सकते हैं, शालीनता, सुरक्षा, सामाजिक स्तर और प्रौद्योगिकी, प्रतिष्ठा और श्रृंगार, मतलब कि शालीनता मतलब हमें ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो हमारे समाज में भी पूरी तरीके से उपयोगी हो, मान्य हो, क्योंकि हम कुछ अजीब से ड्रेस पहन के बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग हमें एक अलग नजरिए से देखेंगे, वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, तो हम जो वस्त्र पहनेंगे उसमें शालीनता होनी चाहिए, मतलब कि वो आकर्षित भी लगे आपके साथ साथ सामने वाले को भी अच्छा लगे वो देखने में। सुरक्षा से संबंधित मतलब कि हमें ऐसे ड्रेस नहीं पहननी चाहिए जो खराब हो, या मतलब देखेंगे कि अनकंफर्टेबल जो ड्रेस होती है हमें वो वेयर नहीं करना चाहिए, तो मेनली हम इस चैप्टर में आपको जो है समझने वाले हैं कि हम वस्त्र को किस तरीके से जो वस्त्र होते हैं हमें उसका चयन करना चाहिए, कैसे वस्त्र हमें पहनने चाहिए, कौन से वस्त्र अच्छे होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। अब आपका इकाई पांच आ गया है, इसमें आपका दे रखा है वैश्यकावस्था, मतलब इसमें हम जो आपका चैप्टर रहने वाला है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण। अब इसमें हम समझेंगे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का महत्व, स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य का आहार, और BMI स्वास्थ्य का संवर्धन करने वाले आहार के लिए क्या करने करे और क्या ना करे, स्वस्थता मतलब मेनली हम इसमें जो समझने वाले हैं वो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित ही जो है वो हम समझेंगे, कौन से कल्याण वगैरह हम उसके बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। इसमें आपका अध्याय सेकंड दे रखा है वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। अब इसमें हम वित्तीय प्रबंधन मतलब धन धन से संबंधित जो योजनाएं होती हैं हम उसको समझने वाले हैं, वित्तीय नियोजन हम कहाँ पैसे लगा सकते हैं, प्रबंधन हम किस तरीके से जो पैसे वगैरह हो उसको हम प्रबंध कर सकते हैं, मतलब एक यूजफुल तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धन और उसका महत्व समझेंगे, पारिवारिक आया मतलब इसमें हम मेनली जो समझने वाले हैं वो धन के बारे में ही समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको कहीं लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं, तो हम यही चीजें इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब इसमें जो आपका दे रखा है नेक्स्ट अध्याय है मरम्मत वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव, हम ये समझने वाले हैं इसमें। तो यहाँ हम वस्त्रों की जो देखभाल है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो उसका रख रखाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम इस अध्याय में समझने वाले हैं, जैसे कि उसकी मरम्मत, उसकी धुलाई,
दाग धब्बे को हटाना हम किस तरीके से, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो दाग धब्बे हैं, जैसे कुछ दाग धब्बे वनस्पति होते हैं, जैसे कि जंतुजन्य धब्बे होते हैं, तेलीय धब्बे होते हैं, तो खनिज धब्बे होते हैं या रंग वाले धब्बे होते हैं, तो हम किस तरीके से उसको हटा सकते हैं, ये सारी विधि हम इसमें समझेंगे, किस तरीके से जो उसकी तकनीक होती है हम वो समझेंगे, और हम किस तरीके से धुलाई कर सकते हैं, वस्त्रों को बचा कर लंबे समय तक रख सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। हम गंदगी किस तरीके से हटा सकते हैं हम वो समझेंगे। अंतिम रूप देना मतलब कि ये सब करने के बाद हम कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे अंतिम रूप देने के लिए, हम वो सब समझेंगे इस चैप्टर में। मेनली हम इसमें समझने वाले हैं आपका जो वस्त्र है उससे रिलेटेड जो रहने वाला है उस टॉपिक के बारे में, हम किस तरीके से वस्त्र को लंबे समय तक टिकाऊ बना सकते हैं, किस तरीके से अगर कोई दाग लग गया है तो उसको हटा सकते हैं, हम होम साइंस के इस एंड वाले चैप्टर में ये समझेंगे। अब इसमें आपका नेक्स्ट बता रखा है कि ये 31 जनवरी तक जो है, जनवरी तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस, और यही आपका जो फर्स्ट टर्म का आपने ऊपर देखा आपकी 3 इकाई आ रही है उसके, मैंने जो आपके सारे चैप्टर्स थे वो आपको समझा दिए। आपको पता है कि आपके सेकेंड टर्म में पूरा जो सिलेबस रहने वाला है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का वो आने वाला है, मतलब कि आपकी जो ये 5 इकाई है वो आपके सेकेंड टर्म में आएगी, और इस सिलेबस को करवाते हुए मैं आपके साथ जुड़ी रहने वाली हूँ आपकी 11th क्लास होम साइंस सिलेबस को करवाने के लिए, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आगे मैं आपको जो चैप्टर्स है उसको अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आई होप एंड तक आप इस वीडियो में बने रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहीं कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।